सबों का। चलो चलो पंक्ति में चलो। आदर्श मध्य विद्यालय एवं बिहार शिक्षक परियोजना आपका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। मंगल में दिन आज है पाहुने छति आयल, मंगल दिन आज है पाहुने छति आयल, धन धन जागल भाग है, धन धन जागल भाग है, मन कमल फुलायल, मंगल में दिन आज है। डीएम साहब द्वारा अनुमोदित हमने एक लोगो बनाया है दरभंगा लोकसभा निर्वाचन के लिए। आप सभी से अनुरोध है कृपया उसका विमोचन करें। बिहार दिवस के अवसर पर आयोजित इस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित अपर समाहर्ता विभागीय जांच, अपर समाहर्ता डीडीसी साहब, जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, जिला के स्वीप आइकॉन श्री मणिकांत जाजी, इस आयोजन में उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारीगण, शिक्षकगण और सभी बच्चे, उनके गार्डियंस और इस सभा में आए हुए सभी लोगों को मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। जैसे कि बिहार दिवस हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस साल देश के महापर्व इलेक्शन 2019 हम लोगों के सभी लोगों के सामने है। अप्रैल 29 और मई 6 तारीख को दरभंगा जिला में लोकसभा निर्वाचन संपन्न होगा, जिसमें दरभंगा लोकसभा क्षेत्र और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का दो विधानसभा क्षेत्रों में 29 अप्रैल को और 6 मई को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का दो विधानसभा में आयोजन होगा। विभिन्न कार्यक्रम लगातार आयोजित की जा रही हैं। निर्वाचन आयोग के उद्देश्य है और जिला प्रशासन का भी ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के अपने मतदान दें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी दें। दरभंगा जिला वैसे शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक जिला रहा है।
कई स्कॉलर्स दरभंगा जिला से बहुत फेमस हैं, लेडी स्कॉलर्स भी बहुत लोग फेमस हैं। आज मुझे खुशी हुई कि दरभंगा जिला के जो शिक्षा के इतिहास के प्रतीक यूनिवर्सिटी और अन्य जो शिक्षा के संबंधित प्रतीक के माध्यम से हम लोग एक निर्वाचन लोगो बनाए हैं और उसका विमोचन आज हो रही है, जिसके माध्यम से भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित कराने में लोगों को जागरूक हम लोग कर पाएंगे। सुबह से रंगोली कंपटीशन और पेंटिंग कंपटीशन, कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अपने सपने बुनो बुनो, ईमानदार चुनो चुनो, अपने सपने बुनो बुनो। वोट डालना हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य है। कभी कभी कोई लोग वोट देने भी नहीं जाते, लेकिन हाँ बहना सही बोली। अरे ये क्या बोल रहे हैं तुम सब? आप लोग तो जानते ही है ना कि चुनाव अप्रैल के माह में होता है। आप लोग सब परिवार 18 वर्ष के लड़के लड़कियों को लेकर मतदान केंद्र पे आइएगा मतदान देने। साहेब हम लोग को क्या होगा वोट दे, यह हमारा अधिकार है। चुनी गई सरकार जनता के हित में काम करे और प्रशासन सुदृढ़ बने, और यह तभी संभव है जब हमारे देश के सभी मतदाता अपने मतदान के प्रति जागरूक होंगे, ताकि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र के श्रेणी में आए। और इसी सब सोच के कारण हमारा देश आज विकसित नहीं हो पा रहा है और हमारे देश की वागडोर एक गलत हाथों में चली जाती है। तो देखा आपने, इन्हीं सोच के कारण कुछ लोग के गलत हाथ में हमारा देश चला जाता है और इसके कारण ही हमारे देश का विकास नहीं हो पाता। तो आप अपने नागरिक होने के कर्तव्य को बखूबी जाने और एक दूसरे को भी बताएं, ताकि हमारा देश विकास की प्रगति पर बढ़ता चला जाए। तो आइए आज हम एक कसम खाते हैं कि हम एक सुयोग्य उम्मीदवार को ही वोट दें, ताकि हमारा देश विकास के प्रति हमेशा आगे बढ़ते रहे। मतदान का पर्व है आया, आओ डाले वोट। मतदान का पर्व है आया, आओ डाले वोट। मतदान का पर्व है आया, आओ डाले वोट। लोगों तक पहुंच रहा है। हम अनुरोध करना चाहेंगे सर, आप आगत अतिथियों और इस सभागार में समुपस्थित हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, शिक्षकगण एवं बच्चों के स्वागत में दो शब्द रखेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय। बिहार दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों सबका आदर्श मध्य विद्यालय में मैं स्वागत करता हूँ। बिहार दिवस के अवसर पर बहुत सारे एक्टिविटी का निर्देश शिक्षा विभाग को मिला है, जिसमें बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, पौधारोपण करना और विशेषकर मतदाता जागरूकता के लिए जो हम आज कर रहे हैं संकल्प, कुछ देर के बाद सब लोग संकल्प दिलवाएंगे कि बहुत सारा विद्यालय में हम लोगों का यह कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है और 3 दिनों तक चलेगा और सभी जगह डीओ के नेतृत्व में हेडमास्टर साहब के साथ सभी हमारे बच्चे वहाँ पर संकल्प लेंगे। संकल्प लेके अपने माता पिता अभिभावक को बताएंगे कि वोट देना एकदम आवश्यक है, अपना वोट हमारा अधिकार है और हथियार है। इस निश्चित रूप से आगामी लोकसभा निर्वाचन जो आने वाला है उसमें बढ़ चढ़ कर मतदाता हिस्सा लेंगे। थैंक यू। शिक्षक, बच्चे, बच्चिया, बिहार दिवस 2019 हमारे शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार 22 तारीख से 24 तारीख तक मनाया जाना है। हम लोगों को निर्देश मिला था कि इस बार का यह कार्यक्रम विशेष रूप से मतदाता जागरूकता से जोड़कर और वृक्षारोपण अभियान को चला करके मनाया जाना है। हमारे विद्यालय बंद थे,
विद्यालयों को खोल दिया गया है और यह कार्यक्रम प्रत्येक विद्यालय में, मेरे ही जिले में नहीं पूरे राज्य में ये सभी विद्यालयों में मनाया जा रहा है और यह कार्यक्रम अगले 24 तारीख तक मनाया जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि हमारे शिक्षक मतदान कार्य से जुड़े हुए हैं, बीएलओ लेवल से लेकर मतदान कराने तक की जवाबदेही उनकी रहती है और मतदान में इनकी प्रमुख भूमिका रहती है। ऐसी स्थिति में हमारे शिक्षक अपने बच्चों के साथ स्वयं भी, उनके बच्चे भी, विद्यालय के बच्चे भी गांव में जाकर लोगों से मिलकर मतदान में भाग लेने की अपील करेंगे, उनको उनके मतदान के अधिकार से अवगत कराएंगे। इसीलिए इस बार का जो यह कार्यक्रम है बिहार दिवस 2019 विशेष रूप से इन्हीं दो उद्देश्यों से मनाया जा रहा है। आशा है जैसे पूर्व में हमारे शिक्षक इसमें पूर्ण सहयोग करते रहे हैं, आगे भी हमें विश्वास है उनकी क्षमता पर भी और उनकी ऊर्जा पर भी कि निश्चित रूप से यह हमारा आने वाला जो चुनाव है उसमें भी उनकी पूरी सहभागिता होगी, पूरी स्वच्छता और पारदर्शिता के साथ उसमें उनका सहयोग हमें मिलेगा। धन्यवाद। मंचा सेन अपर समाहर्ता विभागीय जांच, अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता लोक शिकायत, हमारे जिला के आइकॉन मणिकांत जी, डायरेक्टर डीआरडीए वसीम जी, डीओ साहब दिशेलाल साहब, सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक रविशंकर तिवारी जी, डीपीओ आईसीडीएस सांख्यिकी पदाधिकारी, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी एवं मेरे सामने उपस्थित हमारे सभी शिक्षक शिक्षकगण एवं छात्र छात्राओं, आज हम सभी लोग अवगत हैं कि बिहार दिवस है और बिहार की स्थापना के अवसर पर यह मनाया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा निर्वाचन की साथ साथ है, इसीलिए आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू है, इसीलिए कार्यक्रम को एक संशोधित रूप में शिक्षा विभाग के माध्यम से यह किया जा रहा है। आज इसके साथ साथ यह भी है कि जो हमारा लोकसभा निर्वाचन है उसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी इसको समाहित किया गया है। दरअसल में यह जानना आवश्यक है बंधु कि हम मतदाता को जागरूक क्यों कर रहे हैं। सब लोग तो जागरूक हैं, आप चले जाइए किसी चौक चौराहे पर, किसी चाय दुकान पर बैठिए तो सिर्फ एक ही और एक ही बात करते हैं, वो राजनीति। तो देखने से लगता है कि सारे लोग बहुत ही दिग्गजन हैं, सभी लोग राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारा गत विधानसभा गत लोकसभा में जब हम देखते हैं वोट का प्रतिशत, तो हमको लगता है कि सही में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। 100 में मेरा 52 और अधिकतम 55% ही मतदान हुआ है, यानी अभी भी हमारे 45% ऐसे लोग हैं जो मतदान जाके नहीं करते हैं। तो इसीलिए जागरूक करने की आवश्यकता है कि हम मतदान करें। यह भी बताना आवश्यक है कि पहले मतदान करने लोग क्यों नहीं जाते थे। पहले 2-3 कारण बताए जाते थे कि जब हम मतदान केंद्र पर जाते हैं तो हमको बेसिक आधारभूत सुविधा नहीं है, जब हम पीने का पानी प्यास लगेगी तो पीने का पानी नहीं है, कोई ऐसे नागरिक या मतदाता लाइन में खड़े होंगे किन्हीं को टॉयलेट जाने की जानकारी आवश्यकता होगी तो वह सुविधा नहीं है, कहीं छायादार जगह नहीं है। हमारे आबादी का एक बहुत बड़ी संख्या दिव्यांग लोगों का है, तो दिव्यांग लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए रैंप की सुविधा नहीं है, एवं तरह तरह के चीजें थी जिसके कारण भी लोग मतदान केंद्र पर जाना नहीं चाहते थे। तो भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि सबसे पहले आधारभूत जो सुविधा है जिसके कारण मतदाता मतदान केंद्र पर नहीं आते हैं उनको आप
ये सुविधा दीजिए और मतदान केंद्र पर लाइए। तो सभी लोग यह आश्वस्त करें, सिर्फ जागरूक करके मत डालिए इतने ही कहने से नहीं है, उनको यह भी समझाना है कि आपके लिए जो मतदान केंद्र है वहाँ पर सभी सुविधाएं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हों, सभी के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं। आपको यदि 10 मिनट आधे घंटे रुकना भी पड़ेगा तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई असुविधा नहीं होगी, आप इस मतदान में भाग लें। दूसरी बात, निर्वाचन आयोग का कहना है कि इसको एक त्योहार के रूप में मनाना है, जिस तरह से हम अपना त्योहार मनाते हैं, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो चाहे ईद हो, हर एक त्योहार को कितने स्वस्फूर्त मनाते हैं, कहना नहीं पड़ता, एक स्वतः स्फूर्ति आती है कि आज हमको सवेरे उठना है, अपना जो दैनिक काम है करना है, पूजा या पर्व की तैयारी करता है, सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। तो निर्वाचन आयोग कहता है यह भी एक महापर्व है लोकतंत्र का, इसमें सभी लोगों की भागीदारी कीजिए और सभी लोगों को जगाइए कि आपके दरभंगा जिले में 95% वोटिंग होती है। आप लोग जितना अधिक से अधिक अपना मतदान का प्रयोग करेंगे, मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उतना मजबूत लोकतंत्र हमारे राज्य में, हमारे देश में मजबूत लोकतंत्र होगा। इसलिए हम आप सभी से, बच्चों से अनुरोध करेंगे, आप लोग अपने पेरेंट्स को जाकर के घर में, माता पिता को, अगल बगल में सभी को कहें कि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज का मुख्य उद्देश्य यही है। डीजीसी साहब ने आपको विस्तार से सब कुछ बता दिया गया है, इसलिए अधिक से अधिक मतदान का प्रयोग करें। धन्यवाद।